क्या हुआ जब 26 साल बंद पड़े इन मम्मी ताबूतों को खोल दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से मिस्र सरकार ने इन ताबूतों को हाथ तक नहीं लगाते थे। इन्हें डर था कि कहीं इन ताबूतों को खोलने से मिस्रवासियों पर कोई संकट या श्राप न लग जाए या फिर कोई ऐसी इन्फेक्शन ना फैल जो उस समय के दौरान पाए जाते थे। लेकिन पिछले साल आखिरकार में इन ताबूतों को खोल ही दिया गया। आश्चर्य की यह बात है कि खुदाई में मिले इस सभी ताबूतों को आज से 26 साल पहले सील किए गए थे, जो कि आज बिल्कुल ताजी और जेव के त्यों पाया गया है। आमतौर पर यह राजा महाराजा महारानियों का प्रतिष्ठित उत्तराधिकारियों का उच्च घराने के लोगों का मनीफिकेशन किया जाता था। मुर्दों को संरक्षित करने के लिए दुश्मन मानते थे। इनके लिए इनके पास किसी खास तरह के लेप हुआ करता था, जिससे मृत शरीर पर लेप लगा देने से हजारों साल तक जैव का त्यों सरा हो जाते थे। इसके अलावा शरीर के आघूर्णित भागों को गलने वाले अंगों को जैसे दिमाग आंतरिक फेफड़े को हुक से इमारत से निकाल दिया जाता था। अंत में मोर्चे को निकलने के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता था। फिर उन्हें यह खास तरह के ताबूतों को सील कर दिया जाता है। इससे यह बात की ताबूतों को परिमारी के पहुंचा दिया जाता है। जब इन ताबूतों को पिछले साल खोल दिया गया तो नज़ारा कुछ इस तरह का था, मानो अभी भी